वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? एन ऑर्गेनिज्म विच कैन मॉनिटर एयर पॉल्यूशन, बैक्टीरिया, लाइकेन, शैवाल या फिर कवच। तो गाइज इसका जो सही जवाब है वो है लाइकेन। लाइकेन जो है वो आपका वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। अब ये लाइकेन एक जीव है और ये वायु प्रदूषण को कैसे मॉनिटर करता है, अजीब क्वेश्चन है ना। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। जो लाइकेन होता है गाइज वो आपका सबसे ज़्यादा जहाँ मिलता है वो आपका पेड़ों की तनों में, दीवारों में, चट्टानों में और मिट्टी में मिलता है, ठीक है। और लाइकेन को जीवित रहने के लिए एक स्वच्छ हवा की ज़रूरत होती है, ये पॉल्यूशन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब वैज्ञानिक क्या करते हैं कि लाइकेन की मदद से किसी भी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के स्तर को निर्धारित करते हैं। कहीं अगर लाइकेन ज़्यादा मर जाते हैं तो वो ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो वायु प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका लाइकेन होता है वो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, ठीक है। तो टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है साइंस की। अगर आप न्यू हैं इस वीडियो पे तो बाकी 100 क्वेश्चन ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएंगे, देख लेना। और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, फिलहाल तो मैं बेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर भी कुछ लोग कमी निकालने वाले आ जाते हैं, देख लो आप खुद। एक दो चार डिसलाइक तो होंगे ही होंगे, मैं तो पागल हो जाता हूँ देख के कि डिसलाइक आखिर हुआ क्यों। तो होते हैं ना कुछ चाहने वाले जो जिन जो मैं देखता हूँ यार वीडियो अपलोड करने के 10 सेकेंड के अंदर डिसलाइक आता है, कैसे यार। अगर वीडियो आपने देखी तक नहीं आप डिसलाइक कर देते हो, तो होते हैं यार वो चाहने वाले, ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है गाइज, नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक होगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। परमाणवी नाभिक किसने खोजा था? द एटॉमिक न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाई, चार ऑप्शन है, रदरफोर्ड, डॉल्टन, आइंस्टीन या फिर थॉमसन। तो जो आपका एटॉमिक न्यूक्लियस जिसने खोजा था वो है आपके रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, याद रखना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 है आपका, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है वो क्या कहलाते हैं? द एटॉमिक इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डिफरेंट, नोन एज समदाभिक, समावयवी, समन्यूट्रॉनिक या फिर समस्थानिक। तो इसका जो सही जवाब है वो है समस्थानिक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान पर न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 104। फसलों पर DDT का छिड़काव किस प्रकार प्रदूषण को उत्पन्न करता है? फसलों पर जो दवा होती है DDT, इसका छिड़काव किया जाता है और ये किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है? स्प्रेइंग ऑफ DDT ऑन क्रॉप्स कॉज पॉल्यूशन ऑफ, तो चार ऑप्शन है यहाँ पे देखो, वायु और मृदा, फसल तथा वायु, मृदा तथा जल तथा वायु तथा जल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन उत्पन्न करता है। जो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गाइस DDT का फुल फॉर्म याद रखना, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ट्राइमेथेन, ठीक है। और ये फिलहाल पूरे विश्व में फिलहाल के लिए तो बंद बैन हो चुका है और ये अब कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, बैन हो चुका है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 105। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इन एटम न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई जे जे टॉम्सन, चैडविक, रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन। तो एटम में आपका न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी और पूछ ले कब की थी, तो 1932 में की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 106। क्वेश्चन नंबर 106 है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम आपको बताना है। द केमिकल नेम ऑफ लाइम स्टोन इज, तो गाइस जो चूना पत्थर का रासायनिक नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सॉरी मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम सल्फाइड। तो चूना पत्थर का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए। और कैल्शियम कार्बोनेट का अगर यहाँ पे देखो चार ऑप्शन आपको दिए हों जिनमें सिर्फ सूत्र लिखे हो, तो आप याद रखेंगे CaCO3, ये होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 107। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज इन सिगरेट लाइटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन और रेडॉन। तो इसमें जो सही जवाब है वो है आपका ब्यूटेन। सिगरेट में सॉरी सिगरेट लाइटर जो होता है, लाइटर में आपका ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है और ब्यूटेन का आपको सूत्र याद रखना C4H10 होता है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी ज़्यादा उतनी अच्छी नहीं है, बहुत कमज़ोर था केमिस्ट्री में, फिर भी आपको कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। C4H10 ये आपका ब्यूटेन का सूत्र है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 108। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, तो ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर AC को DC, DC को AC बदलने में, फिर DC वोल्टेज को उपचयन करने में या फिर AC वोल्टेज का अपचयन या फिर उपचयन दोनों करने में। तो गाइस जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो आपका AC वोल्टेज को उपचयन या फिर अपचयन करने में, जो आपका AC वोल्टेज होता है उसको कम ज़्यादा या फिर नियंत्रित रखने में, अगर वो ज़्यादा होता है तो उसको नियंत्रित रखेगा, कम होगा तो भी उसको नियंत्रित रखेगा, ट्रांसफार्मर का ये काम होता है, यही लिखा है उपचयन और अपचयन करने में, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 108 109। क्वेश्चन नंबर 109 है, माँ और शिशु के बीच गले लग, देखो ये यार क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। माँ और शिशु के बीच गले लगाना व चूमना निम्न हार्मोन में से किसके मोचन को प्रेरित करता है? हगिंग एंड किसिंग ऑफ मदर टू हर बेबी इनिशिएट्स
विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन फॉर सिक्रेशन, तो इसका गाइस जो सही जवाब है वो है आपका ऑक्सीटोसिन के कारण, ऑप्शन नंबर डी। अब देखना आप, माँ और शिशु के बीच गले लगाना, चूमना निम्न हार्मोन्स के कारण होता है, ठीक है। आपके जो आप आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है, कुछ भी है, ठीक है, अगर आपको उसको किस करने का, हक करने का मन हो रहा है, या आप उससे प्यार करते हो, तो ये जो दिल है ना, दिल का नाम आप लोग लगाते हो, या सब लोग यार जो चल रहा है, तो दिल को फालतू में बदनाम करते हैं। दिल का ऐसा कोई कुछ भी काम नहीं होता है, जो भी फीलिंग्स होती हैं ये आपका हॉर्मोन्स के कारण होता है। और किस हार्मोन्स के कारण होता है? माँ और शिशु के बीच गले लगाना, चूमना, ये तो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के कारण होता है। और जितनी भी फीलिंग्स होती हैं कि हम उससे प्यार करते हैं, उसको लाइक करते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारा आपके हॉर्मोन्स का खेल है, ना कि आपके दिल का खेल है। दिल का आकार अपनी तरीके से वो बना दिया गया है ये, लेकिन दिल का आकार ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा कैसा होता है दिल, और दिल का बिल्कुल काम नहीं है कि फीलिंग्स को, या फिर किस करना, या फिर जो भी है यार, जितना भी बवाल है, दिल का बिल्कुल काम नहीं है, सारा हार्मोन्स का खेल है, ठीक है। आपके मन में जो भी फीलिंग्स आ रही किसी के लिए, वो सारा हार्मोन्स का खेल है, ठीक है। तो दिल को फालतू में बदनाम किया है। नेक्स्ट देखो, किस क्वेश्चन नंबर 110 क्वेश्चन नंबर है, कांसा जो मिश्रित धातु है, ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ, तो देखो कांसा किसकी मिश्रित धातु है, तांबा एवं टिन की, तांबा चांदी का, या फिर तांबा एवं जस्ता का। तो गाइज इसका सही जवाब है तांबा एवं टिन का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अब आपसे पूछ लिया जाए तांबा कितना परसेंट होता है और टिन कितना परसेंट होता है, तो तांबा आपका 88% होता है, और जो आपका टिन होता है वो 12% होता है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 110 111 क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज इज, विद्युत का रासायनिक प्रभाव, यांत्रिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, या फिर चुंबकीय प्रभाव। तो सिंपल सी बात है, ऊष्मीय प्रभाव ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। जो आपका फ्यूज होता है उसका जो गलनांक पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है, देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कार्य ऊर्जा सही है ये, बल न्यूटन एसआई यूनिट है सही है, द्रव्यमान किलोग्राम ये भी सही है। अब दाब का डाइन थोड़ी ना होता है एसआई पद्धति में, दाब का जो मात्रक होता है एसआई पद्धति में वो होता है पास्कल, ठीक है, तो दाब पास्कल, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और डाइन, अब डाइन आ रहा है तो डाइन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये डाइन किसका मात्रक है, तो डाइन आपका बल का सीजीएस पद्धति का मात्रक है, बल का आपका एसआई पद्धति का मात्रक न्यूटन है, और सीजीएस पद्धति का डाइन है। तो ये चारों मात्रक आपको याद रखनी ईजी है, कार का ऊर्जा, बल न्यूटन, द्रव्यमान किलोग्राम, और दाब का पास्कल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 113 क्वेश्चन नंबर 113 गाइज, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर, ठीक है। तो नोट द ऑप्शन पॉन्ज, या फिर पॉइज, या फिर मैक्सवेल। तो गाइज इसका जो सही जवाब है वो है आपका डॉप्सन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 114, एच वाई वी का पूरा नाम पूछा जा सकता है, एच वाई वी रिफर्स टू हाइब्रिड यील्डिंग वेराइटी ह्यूमन येलो वायरस, हाई यील्डिंग वेराइटी ह्यूमन येलो वैक्सीन। तो इसका गाइस जो सही जवाब है एच वाई वी, इसका जो फुल फॉर्म है वो है हाई यील्डिंग वेराइटी, ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 115 क्वेश्चन नंबर 115, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फियर टेक्स प्लेस ड्यू टू, तो इसका जो कारण है गाइज वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो रीजन है वो है आपका धूलकण, डस्ट पार्टिकल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 116 क्वेश्चन नंबर 116 है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली जो कीट बच्ची मछली उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है गाइस गैम्बूसिया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। गाइस क्वेश्चन नंबर 117 है, पसीने के मुख्य उपयोग बताना है, शरीर का ताप नियंत्रण रखने में, आगे बढ़ते नहीं मैं आपको सही जवाब बता देता हूँ, पसीने का जो मुख्य उपयोग है वो है पसीने का ताप नियंत्रण करने में, गर्मी में जब आपको पसीना आता होगा आप ठंडक महसूस करते होंगे तो वो इसका काम है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, सिर की हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स ऑफ ए हेड, तो गाइज इसका जो सही जवाब है वो है 29, आपकी 29 होती हैं सिर की हड्डियाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, विच ऑफ फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सोल्यूबल, तो पानी में जो घुलनशील विटामिन होता है वो होते हैं आपके दो, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। इसके अलावा जो विटामिन होते हैं वो आपके फैट वसा में घुलनशील होते हैं, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं कि ये पानी में, बाकी जो बचे आपके वसा में, तो विटामिन बी और सी आपके जल में घुलनशील होते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव दूध से दही के निर्माण में सहायक होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म
इज यूज्ड इन मिल्क कर्डिंग। तो दूध से दही बनाने में, निर्माण करने में जो सूक्ष्म जीव सहायक होता है, तो वो होता है आपका लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोबैसिलस ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो गाइज ये थे 20 क्वेश्चन आज के इस वीडियो के। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और बेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ इनमें से। एग्जाम में आपके ये इन्हीं में से ही पूछे जाएंगे यार, अब अपनी ओर से थोड़ी ना वो क्वेश्चन बनाएंगे। और सारे मैं आपको करा रहा हूँ, 500 क्वेश्चन ये कराऊंगा, चैप्टर वाइज स्टार्ट ही करने वाला हूँ। जस्ट थोड़ा सा टाइम लगता है चैप्टर वाइज, पूरा चैप्टर एक PDF में तैयार करने में, तो चैप्टर वाइज भी हम तैयार करेंगे। पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट 18-20 चैप्टर सारे करवा देंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, क्योंकि 3 से ज़्यादा 4-5 वीडियोस आने वाली हैं और 3 से ज़्यादा नोटिफिकेशन यूट्यूब भेजता नहीं है, तो मैं टेलीग्राम पे ही नोटिफिकेशन आपको दूंगा, एक भी वीडियो आप मिस ना करें। और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।